नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बड़ी उम्मीदों के साथ उड़े देश का नाम आम नागरिक के हिसाब से दरभंगा एयरपोर्ट को शुरुआत की गई थी, लेकिन यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ी कि स्पाइस जेट ने मनमाना किराया वसूलना शुरू कर दिया और अब खुल्लम खुल्ला लूट चल रही है, जिसे ना तो सरकार देखने वाली है और ना ही कोई एजेंसी देख रही है। आपको आज बताएंगे कि किस तरह से 16,000-17,000 में लूट मची हुई है। 16,000-17,000 रुपये कर दिया गया है किराया दिल्ली मुंबई का। ऐसे में सवाल यह है कि इस छठ पर लोग आएँ तो आएँ कैसे, क्योंकि किराया 16,000-17,000 तक पहुँच चुका है। और किस तरह से मनमाना, हम लगातार हमने रिपोर्ट आपको दिखाई, लेकिन आज आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से दरभंगा में स्पाइस जेट की खुल्लम खुला लूट मची है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि तमाम अखबारों में ये खबर छप रही है और तमाम इसमें सार्वजनिक रूप से चीज़ें सामने हैं, जिसमें ये देखिए प्रभात खबर है, इसमें साफ साफ लिखा गया दिल्ली से दरभंगा का हवाई टिकट 11,000, पटना का 7,000 रुपये। देख लीजिए ये स्थिति है। अजय कुमार मिश्र जो इनके संवाददाता हैं बाईलाइन, इन्होंने ये खबर छापी है प्रभात खबर में। अब साफ साफ देखिए 30 अक्टूबर को अगर आना है तो दिल्ली का किराया है 7,870, दिल्ली से दरभंगा, मुंबई से दरभंगा 12,000-13,000 के आसपास है। उसके बाद 31-1-2 इसमें थोड़ा सा ठीक है, 8,000-9,000 ठीक नहीं कहेंगे, ये भी ज़्यादा ही है, 9,000-8,000 के रेंज में। लेकिन 3 नवंबर देखिए 13,360 दिल्ली से मुंबई और 10,057 मुंबई से दरभंगा, ये स्थिति है। 4 नवंबर दिल्ली से दरभंगा 14,000-15,000, मुंबई से दरभंगा करीब 10,000। 5 नवंबर 17,140 और 10,897। 6 नवंबर 16,270, 11,737। 7 नवंबर 13,000, 11,000। 8 नवंबर 13,000, 9,000। यानी देख लीजिए आप, लूट मची हुई है। और ये आप उनके जो ऐप है उसमें भी आप देख लीजिए, 3 तारीख को अगर देखें तो 13,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 17,740 है। इसके अलावा अगर इसके आगे पीछे की भी डेट खंगाल लें आप, तो 4 तारीख को 14,000, 5 तारीख को 16,000, 6 तारीख को 16,000। ये छठ का टाइम है, देखिए किस तरह से 13,000-16,000 का किराया है। और ये जो सवाल उठ रहा है कि अगर ये उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट चालू हुआ है और ये सारे रूट्स जो मुंबई दिल्ली के रूट्स हैं ये उड़ान स्कीम के तहत हैं, तो इसमें कैपिंग तय की जाती है। ऐसे में अगर लोअर कैपिंग तय की गई है तो हायर कैपिंग भी तय होनी चाहिए, ये सवाल उठा। और लगातार यात्री भी ये सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं स्पाइस जेट से कि आखिर ये किराया इतना महंगा क्यों है। ये आम नागरिक के लिए था ये प्रोजेक्ट, ये आम नागरिक के लिए योजना है, तो ये आम नागरिक कैसे 16,000-17,000 में जाएगा। रमन सिंह है कि यात्री, वो लिखते हैं कि दरभंगा लूट इन नेम ऑफ उड़ान, वाई वन वे टिकट दरभंगा शुड बी 16,000, यानी कि क्यों 16,000 रुपये किया गया वन वे टिकट व्हेन देयर इज़ अ लोअर लिमिट ऑफ फेयर, जबकि लोअर लिमिट किया गया है तो वाई नो अपर लिमिट, क्यों नहीं अपर लिमिट किया गया है, ऐसे उड़ेगा देश का हर नागरिक, ये सवाल उठा रहे हैं। और पीएमओ को, सिंधिया को, स्पाइस जेट को, अजय सिंह को, सबको टैग कर रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, सबको टैग कर रहे हैं। इसका जवाब भी आया कि हाय रमन, प्लीज़ नोट दैट द स्पाइस जेट फॉर इन डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रक्चर, वही घिसा पीटा राग, वही घिसा पीटा जवाब कि हम डायनामिक स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। उसके उस पर फिर रमन सिंह ने पलट करके फिर क्या जवाब दिया वो आप देख लीजिए कि स्पाइस जेट प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अंडर उड़ान वेयर गवर्नमेंट गिव सब्सिडी सो दैट उड़े देश का हर नागरिक, नॉट लूटे देश का हर नागरिक। यानी कि ये साफ साफ है, वाई एक्सक्लूसिव राइट ऑफ लूट टू स्पाइस जेट नॉट अदर एंड अदर एयरलाइंस नॉट अलाउड। और सवाल अहम ये भी है कि इस रूट पर सिर्फ स्पाइस जेट की ही मोनोपोली क्यों चलेगी, और जब चलेगी तो लूटेगा, 16,000 हो 17,000 लोग मजबूरी में पैसा दे के आएंगे और इसी का फ़ायदा स्पाइस जेट कंपनी उठा रही है इस दिवाली और छठ के मौके पर। लूट का समय है इसलिए खुल्लम खुला लूट मचाया जा रहा है, जिससे कि कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। तो सवाल अहम यही है कि उड़े नहीं लूटे देश का आम नागरिक वाली स्थिति बन गई है। और 16,000-17,000 रुपये अगर आपको हवाई यात्रा करनी है, दरभंगा आना है खास करके मुंबई और दिल्ली से, तो आपको इस समय 16,000-17,000 का आंकड़ा चल रहा है। अब देखना होगा कि इस पर नियंत्रण कब लगेगा, या इसको कौन संज्ञान में लेता है, या फिर लूटता रहे आदमी, जैसे पेट्रोल डीजल में लूट रहा है वैसे क्या इसमें किराए में भी लूटता रहेगा, यही देखना बाकी रह गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।